आने वाले शेरू क्लासिक में जो जो प्रो शो होने वाला है दिल्ली में फर्स्ट टाइम, उस चैंपियनशिप में मैं कम्पीट नहीं करने वाला हूँ। उसका रीज़न ये है कि ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। तो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से काफी बड़ी अपडेट्स आ चुके हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। एंड फ्रेंड्स, आप लोग बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को इंस्टाग्राम और स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज वहां पर भी अपडेट्स और पॉडकास्ट आते रहते हैं। तो चलिए भाई, हम लोग इस वीडियो की शुरुआत ही करते हैं हमारी डेली प्रो शो की अपडेट के साथ। और भाई सही में बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करेंगे डेल्टा दिलीप के बारे में और उनकी रीसेंट अपडेट आ चुकी है। और उनके कोच जो हैं वो अपने इंस्टाग्राम पे उनकी स्टोरी डाल के जो है उनकी पूरी फिजिक अपडेट हमारे साथ शेयर कर देते हैं भाई। तो रीसेंट फिजिक अपडेट डेल्टा की कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। एंड आई मीन गाइज, अभी फ्लैट नजर आ रहे हैं, बट ही हैज ग्रेट आर्म्स एंड शोल्डर्स, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद थिकनेस जो है ना बैक वाली साइड से वो नोटिस हो रही है। वहां पर मेरे को लगता है कि डेल्टा दिलीप ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी है और बिल्कुल सही जगह पे नोटिस हो रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा कंडीशनिंग बहुत ज्यादा नोटिस हो रही है, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा जो है बल्कि नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही जगह पर इस टाइम पे डेल्टा दिलीप। एंड ही इज नोन फॉर हिज स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस, मतलब अपनी स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस करके आगे बढ़ते हैं ये। और ऐसा भी नहीं बोलने वाला भाई कि ये जीत जाएंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि ये डेंजरस नहीं होने वाले, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। जो टॉप एथलीट्स होने वाले अगर वो ऑफ आ गए स्टेज के ऊपर, तो डेल्टा एक ऐसा एथलीट है जो कि बीच में से आके फर्स्ट कॉल आउट लेकर जा सकते हैं। और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि डेल्टा दिलीप और लवप्रीत भाई जो है उनका मुकाबला टक्कर को होने वाला है, बिकॉज दोनों की फिजिक्स के अंदर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही अच्छी कंडीशनिंग लेकर आते हैं और दोनों की बैक काफी अच्छी लेवल पर नजर आ रही है, मतलब काफी अच्छी लेवल पर दोनों बैक्स लेकर आते हैं। तो प्लेसिंग्स के मामले में डेल्टा दिलीप ऊपर चले जाएंगे या फिर लवप्रीत भाई लेकर चले जाएंगे भाई, ये तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा डेली प्रो शो के अंदर। और आप लोग कैसे, तो कि डेल्टा दिलीप के लिए डेली वाला शो लकी हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर की बात है कि शेरू क्लासिक डेली में अपना प्रो कार्ड जीते थे, तो क्या ये चीज लकी हो सकती है डेल्टा दिलीप के लिए, देखना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है भुवन चौहान भाई की तरफ से। और भुवन चौहान भाई है वन डे आउट, मतलब अब कल ही वो कंपीट करने वाले ऑप्टिमम क्लासिक में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने आप लोगों को अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि भुवन चौहान भाई अब इस सैटरडे को कंपीट करने वाले हैं। और रीसेंट अपडेट हम लोगों को शो करते हैं जहां पर आप लोग देख सकते हो फ्लैट नजर आ रहे हैं, एंड वहां पे वो कैप्शन भी लिखते हैं कि दिस इज फ्लैट, लेट्स फिल इट आउट। और भाई अगर ये चीज़ उनकी फ्लैट नजर आ रही है, तो जब ये अपना आपको फिल आउट करेंगे और जब कार्ब लोडिंग करेंगे, तो ना जाने भाई कितना ज़्यादा राउंड नजर आएंगे भाई। और एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इस अपडेट के अंदर जो इनकी चेस्ट है वो खासकर मेरे को काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, मतलब ऐसा कहना चाहूँगा कि इम्प्रूव्ड नज़र आ रही है। और काफ़ी सारे लोग भुवन भाई को चेस्ट के मामले में क्रिटिसाइज करते हैं, बट हाँ चेस्ट जो है वो ज़्यादा कंप्लीट और ज़्यादा राउंड नज़र आ रही है। फिजिक के बारे में बात करते हैं, प्रोपोर्शंस के हिसाब से भाई अच्छी नज़र आ रही है प्रोपोर्शंस वगैरह, जो कि राउंड शोल्डर्स, मतलब एकदम वाइड शोल्डर्स और जो स्मॉल वेस्ट होती है। बाकी इनका पीक वीक चल रहा है इस वक्त पे, तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है इनके लिए, और कोई भी मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लाइनअप होने वाला है इस बारी का ऑप्टिमम क्लासिक का वो काफ़ी कंपेटिटिव होने वाला है। खासकर बैनक्विल होंगे वहाँ पर, फुरकान भी होने वाले, तो भाई कुछ भी हो सकता है यार। और एक्सपेक्टेशन यार भुवन भाई से वही है मेरी कि एक श्रेडेड मिड सेक्शन ये लेकर आएंगे और एक ड्राई पैकेज लेकर आएंगे, और ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल आउट विल बी द गोल। और अभी इन्होंने एकदम से जो है चूज करा अपना नेक्स्ट कॉम्पिटिशन जो कि ऑप्टिमम क्लासिक है, तो सोच समझ के इन्होंने चूज करा होगा। और बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग किस तरीके का वर्जन देखना चाहते हो भुवन भाई का, कि आप लोग श्रेडेड वर्जन उनका देखना चाहते हो या फिर राउंड वर्जन देखना चाहते हो। वैसे इवन दो अगर वो श्रेडेड आएंगे तो थोड़ी बहुत फुलनेस भी उनको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और अगर फिर राउंड आएंगे तो फिर उनको कंडीशनिंग भी सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है। तो भाई ये कुछ आ रही है इनकी तरफ से अपडेट ऑप्टिमम क्लासिक की, और भाई सैटरडे होने वाला ये वाला शो। और जो भी अपडेट्स आती हैं उन सारी अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट बड़ी अपडेट और नेक्स्ट बड़ी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है बिलाल अली की तरफ से भाई। और बिलाल अली ने जैसे कि इनिशियली प्लान करा था कि वो न्यूयॉर्क प्रो और टोरंटो प्रो खेलने वाले थे, अब उनके चेंज इन प्लान्स हो चुके हैं, अब सीधा भाई वो दिल्ली प्रो शो खेलने वाले, मतलब सीधा वो दिल्ली लैंड करना चाहते हैं और दिल्ली प्रो शो को खेलना चाहते हैं। और रिसेंटली भी हम लोगों को बताते हैं कि उनके जो पिट्सबर्ग प्रो खेलने से उनके जो पहले के प्लान्स थे कि उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो खेलना था, टोरंटो प्रो खेलना था, अब भाई देख कर लग रहा है कि उनका मोटिवेशन थोड़ा सा नीचे जा चुका है, बिकॉज उनकी वो वाली उनकी प्लेसिंग नहीं है जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो भाई अभी वो सीधा दिल्ली प्रो शो खेलने वाले हैं। रिसेंटली एक फैन भी बिलाल अली से बोलता है कि आप दिल्ली प्रो शो इसलिए खेल रहे हो बिकॉज दिल्ली प्रो शो ज्यादा ईजी होगा आपके लिए, और ज्यादा ईजी होगा आपके लिए क्वालिफाई करना ओलंपिया के लिए, और आपके लिए कॉम्पिटिशन भी ज्यादा ईजी होगा। तो ये कुछ उनको बोला जाता है, तो बिलाल अली जिसका कि रिप्लाई करते हैं कि भाई मैं इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि वो ज्यादा ईजी शो होने वाला है, मैं इसलिए खेलना चाहता हूँ दिल्ली प्रो शो बिकॉज मैंने इंडियन फैंस को प्रॉमिस करा है कि मैं दिल्ली प्रो शो खेलने वाला था। तो भाई ये कुछ बिलाल अली का रिप्लाई आता है। एंड ऑनेस्टली बोलूं यार, नो डाउट
जो कंपटीशन होने वाला है, जैसे कि पिट्सबर्ग प्रो में जो कि मुकाबला हुआ था वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, दिल्ली प्रो शो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी होगा बिलाल अली के लिए। और वैसे आप लोग इंडियन एथलीट्स को कम मत समझो, बिकॉज राहुल भाई भी वहां पे होने वाले और डेल्टा दिलीप भी होने वाले, तो भाई काफी अच्छे एथलीट्स भी होंगे कम्पीट करने के लिए। लेकिन बिलाल अली के चांसेस यार प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करो और उनके पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करो तो उनको फेवर करते हैं, ये वाली बात तो फैक्ट है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि बिलाल अली का जो भी रिसेंट फॉर्म है, अभी इतना तगड़ा फॉर्म उनका नहीं है, तो क्या इसका कोई फायदा कोई इंडियन एथलीट उठा सकता है और बाजी मार सकता है उस वाले शो के अंदर उस पर्टिकुलर डे पर? अभी बॉडी बिल्डिंग है तो कुछ भी हो सकता है, और बॉडी तो उसी दिन पर देखी जाती है, तो भाई ऐसा मत सोचो कि इंडियन एथलीट जो है कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज इंडियन एथलीट्स बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या कोई इंडियन एथलीट बिलाल अली को हरा सकता है, ये तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। उसी के साथ हम लोग अपनी नेक्स्ट बड़ी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, और एक छोटी सी अपडेट लेकर आ चुका हमारे सुनीत यादव भाई की तरफ से, और एक रिसेंट फोटो हम लोगों को डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये वाली फोटो शायद उनकी एमेचर ओलंपिया फिर मुंबई प्रो शो की है, वैसे देखने से तो ये एमेचर ओलंपिया की नजर आ रही है। और भाई इसका कैप्शन लिखते हैं इंटरेस्टिंगली, मिसिंग द स्टेज, ऐसे अगर ये कुछ लिखते हैं वो, तो भाई क्या सुनीत भाई जो है स्टेज पर दोबारा से कम्पीट करने वाले हैं? और भाई दिल्ली प्रो शो का तो दूर दूर तक उन्होंने कोई भी नाम नहीं लिया, तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन सुनीत भाई कुछ भी कर सकते हैं, वो काफी शांत रहते हैं और एकदम से आके जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो भाई इनकी तरफ से तो भाई कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता। बाकी देखते हैं भाई सुनीत भाई का जो भी अनाउंसमेंट आती है आगे जाके वो कौन से शो के अंदर कम्पीट करेंगे यार, उस अनाउंसमेंट के लिए स्टे ट्यून। और बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सुनीत भाई कोई अच्छा खासा ऑफ सीजन कर रहे हैं इस वक्त पे, या फिर आप लोगों को लगता है कि अपने नेक्स्ट शो की तैयारी कर रहे हैं, या फिर इस वक्त पे अपने प्रेप पर हैं? जो भी आप लोगों के थॉट्स हैं भाई, अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे एमेच्योर एथलीट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रोहित खत्री के बारे में, और बहुत ही टाइम के बाद उनकी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, करंट फिजिक अपडेट लेकर आ चुका हूँ। और रिसेंटली अपनी यूट्यूब वीडियो पे जो है अपनी करंट बॉडी कंडीशनिंग हम लोगों को दिखाते हैं, और एक नई पोजिंग रूटीन हम लोगों को दिखाते हैं भाई। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि इस वाली पोजिंग रूटीन के अंदर जो है अपने वेस्ट पर जो है यानी कि अपने कमर पर अपना हाथ नहीं रखते हैं जैसे कि वो पहले करा करते थे, अभी सिंपल सी इन्होंने जो है पोजिंग पर अपनी सिंपल सी पोजिंग करते हैं। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो यार ये वाली पोजिंग मेरे को मच बेटर लग रही है पहले वाली पोजिंग से, और फ्रंट वाली साइड से भाई मेरे को ये ज़्यादा इंप्रूव नज़र आ रहे हैं, एंड ओवरऑल जो इनका जो लुक नज़र आ रहा है वो फ्रंट वाली साइड से ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। और अगर बैक वाली साइड से बात करी जाए तो वहाँ पर इनको ध्यान देना होगा, बिकॉज अंकुर सर ने भी काफ़ी बार इनको जो है वीडियो के अंदर कहा था कि इनको अपने बैक को और अच्छी तरीके से ओपन करना चाहिए, बिकॉज कई ऐसे शॉट्स थे कि जहाँ पर रोहित खत्री अपनी बैक को ठीक से ओपन नहीं कर पा रहे थे और कई वाले शॉट्स के अंदर ओपन कर पा रहे थे, तो भाई वहाँ पर इनको अपना ध्यान देना होगा। और करंट माइंडसेट हम लोगों को बताते हैं कि इनको सिर्फ खेलना नहीं है, जीतना भी है। तो ऑनेस्टली यार आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रोहित भाई इस बार जीत सकते हैं प्रो कार्ड, अपने थॉट जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों अपनी नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है अभिषेक यादव की तरफ से, और उनकी मैं करंट फिजिक अपडेट लेकर आ चुका हूं। और कहना पड़ेगा कि अपनी रीसेंट फोटोज के अंदर काफी श्रेडेड नजर आ रहे हैं और काफी ऑलमोस्ट आप लोग कह सकते हो कि स्टेज रेडी नजर आ रहे हैं। और भाई कहना पड़ेगा कि अब सिर्फ 4 हफ्ते रह चुके हैं, लेस देन 4 वीक्स आउट। और इस अपडेट के अंदर हम लोग अपनी बैक की भी झलक दिखा देते हैं, पूरी बैक नहीं दिखाते बट अपनी झलक दिखा देते हैं, एंड ही इज लुकिंग वाइड गाइज, मतलब वो अच्छे खासे विथ अपनी शो कर रहे हैं और टेपर अच्छा खासा नजर आ रहा है। एंड आई मीन गाइज, इस बार अभिषेक सीरियस नजर आ रहे हैं, नो डाउट। पूरी फिजिक नहीं दिखाते बट नो वरीज, अभी कुछ ही टाइम के अंदर जो है होपफुली अपने NPC शो के अंदर ही कम्पीट करने वाले शेरू क्लासिक से पहले, और वहाँ पर हम लोगों को इनकी असली फिजिक पता चल जाएगी और हम लोगों को पता लग जाए कि इस बार अभिषेक जो है मतलब किस लेवल पर है इस वक्त पे। एंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एथलीट अगर शेरू क्लासिक में कम्पीट करने वाला है तो उनको NPC वाला शो कंपलसरी है कम्पीट करना, और ये वाली चीज़ गाइडलाइंस के अंदर आती है। और बाकी अगर मैं अपडेट के बारे में बात करूँ तो भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इस बार, मतलब देख कर लग रहा है कि अलग वर्जन आने वाला है और थोड़ा डिफरेंट टाइप का वर्जन आने वाला है, और खासकर अपनी बैक में जो इंप्रूवमेंट्स लेकर आने वाला है, तो उस चीज़ के लिए आप लोग कह सकते हो कि मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। और बाकी आप लोगों को अपडेट कैसी लग रही है अभिषेक भाई की कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को लगता है इस बार ये प्रो कार्ड आ सकता है तो उसके लिए भी आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आ रही है सुंदरम की तरफ से भाई। और सुंदरम दोस्तों हम लोगों को इस अपडेट के अंदर बताते हैं, मतलब अपनी एक स्टोरी डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और हम लोगों को बताते हैं कि वो NPC चंडीगढ़ के अंदर नहीं कम्पीट करने वाले हैं, पूरा जो अपना फोकस है अपनी पूरी प्रेप के अंदर रखना चाहते हैं, जो कि वो शेरू क्लासिक में कम्पीट करेंगे। और NPC चंडीगढ़ के अंदर पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन खेलेंगे नहीं, तो भाई ये क्या चक्कर है, मतलब ये इनका कुछ सीन चल रहा है भाई, और मतलब पूरा फुली फोकस ये अपना शेरू क्लासिक में होना चाहते हैं। और फिलहाल अभी अपना सोशल मीडिया से भी मुक्ति लेने वाले कुछ टाइम के लिए, बिकॉज नेगेटिविटी होती है सोशल मीडिया पे तो उससे दूर रहना चाहते हैं। और बाकी मैं करंट अपडेट के बारे में बात करूं तो आप लोग इनकी फिजिक देख सकते हो कुछ इस तरीके की नजर आ रही है, एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड गाइस, खासकर मैं बैक वाली साइड से काफी ज्यादा इंप्रेस हो रहा हूँ, और मतलब भाई बैक वाली साइड से ये खेल को इधर उधर भी कर सकते हैं।
हैं। और बैक एक ऐसी चीज होगी जो कि गेम चेंजिंग डिसीजन लेकर आ सकती है इस वाले शो के अंदर। अभी फिलहाल इनके पास लेस देन 4 वीक्स आउट है, तो देखते हैं इस बारी किस लेवल का वर्जन लेकर आते हैं एंड होप फॉर द बेस्ट। इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक्स्ट एथलीट के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है रवि पवार, उनकी मैं 4 वीक्स आउट की अपडेट लेकर आ चुका हूं। एंड आई डोंट थिंक यार इनको इतनी ज्यादा अप्रिशिएशन मिलती है जो कि ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा डेंजरस बॉडी बिल्डर होने वाले हैं और इनको बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। एंड अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो भाई ये अगर ऑन पॉइंट आ गए शो के दौरान, मतलब शो के दिन अगर ये ऑन पॉइंट आ गए तो कई लोगों को ये प्रो कार्ड जीतने से रोक सकते हैं एंड ही कैन बी द ड्रीम किलर। एंड ऑन एंड ऑल काफी डेंजरस एथलीट होने वाले इस वाले शेरू क्लासिक में। और आप लोगों को क्या लगता है क्या इस बार रवि भाई प्रो कार्ड ले जाएंगे? अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स जरूर बताना। वहीं पर दोस्तों हम लोग क्लासिक फिजिक के बारे में बात करते हैं हमारे एमेच्योर एथलीट की तरफ से, और मैं एक ही एथलीट की तरफ से अपडेट लेकर आया हूं जिनका नाम है सनी शर्मा और ये इंस्टाग्राम पे सनी 8x के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी तरफ से भी भाई काफी सारी अपडेट्स रिसेंटली आई हैं और काफी कंसिस्टेंट आते हैं स्टेज के ऊपर, यानी कि अपनी कंडीशनिंग के मामले में काफी कंसिस्टेंट आते हैं। और क्लासिक फिजिक में इनसे काफी अच्छी उम्मीदें नजर आ रही है बिकॉज इनकी जो लाइन्स आती हैं वो काफी क्लासिक हैं, काफी आर्टिस्टिक हैं। और अगर ये और साइज लेकर आ जाते हैं तो आई कैन ओनली इमेजिन कि इस फ्रेम पर अगर और ज्यादा साइज लेकर आ जाएंगे तो कितना ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे ये। एंड कंडीशनिंग तो भाई पता ही है कि ये नेक्स्ट लेवल की लेकर आते हैं और अच्छी कंडीशनिंग मतलब ये लेकर आते हैं। और ये थी इनकी तरफ से कुछ अपडेट। और नेक्स्ट एथलीट्स के बारे में हम लोग सीधा बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स के बारे में। भाई सीधा हम लोग बात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है ब्रियोन एंसली की तरफ से। और भाई अब मैं 212 की अपडेट लेकर आ चुका हूँ बिकॉज ये क्लासिक से 212 में स्विच कर चुके हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो भाई ब्रियोन की मैं 212 की अपडेट लेकर आ चुका हूँ। रिसेंटली भाई इनका वेट कुछ बड़ा हुआ नोटिस हो रहा है, मतलब काफी बल्की नजर आ रहे हैं, फुल ऑन जबरदस्त वाला इनका ऑफ सीजन नोटिस हो रहा है। और अभी रिसेंटली ये गेस्ट पोजिंग भी करते हुए नजर आते हैं एनपीसी मदर लोड करके कोई कॉम्पिटिशन था, ये पता नहीं कैसा नाम इन्होंने रखा है मदर लोड। एंड ये भाई कुछ अपडेट आ रही थी इनकी तरफ से और भाई काफी ह्यूज नजर आ रहे हैं। बाकी ब्रियोन जब क्लासिक में कम्पीट किया करते थे तो तब उनके ऊपर वेट कैप होता था जिस कारण की वजह से ज्यादा साइज नहीं लेकर आ पाते थे, तो इनको भाई खुली छूट मिल चुकी है और अब ये 212 में कम्पीट करेंगे। और हालांकि 212 में भी होता है वेट कैप, बट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट वेट कैप नहीं होता जितना ये क्लासिक फिजिक में होता था। और बाकी भाई 212 में ब्रियोन एंसली पास होते हैं फिर फेल होते हैं, ये तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। और क्या सही डिसीजन था ब्रियोन का स्विच करने का, आप लोगों को क्या लगता है भाई कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट बड़ी अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं भाई जो कि आ रही है रेमोन डीनो की तरफ से। और भाई काफी बल्की नजर आ रहे हैं, मतलब काफी अच्छा खासा इन्होंने बल्क ऐड करा अपने मतलब फिजिक के ऊपर। और भाई बल्क ही ऐड करा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फैट इन्होंने अपनी फिजिक के ऊपर नोटिस हो रहा है इनके ऊपर। और ही स्टिल लुकिंग इन शेप, लाइंस नजर आ रही है और काफी अच्छी वैस्कुलैरिटी भी नोटिस हो रही है। अब इनका शेप में होना इसका कारण ये भी हो सकता है कि इन्होंने अभी रिसेंटली आर्नोल्ड क्लासिक खेला था जो कि मतलब सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक को खत्म हुए हुए, तो कह सकते हो कि ये 2 महीने के बाद की फिजिक है आफ्टर दी आर्नोल्ड क्लासिक एंड ही इज ग्रोइंग गाइस। मतलब क्या ये वाली चीज सीबम के लिए चिंता वाली बात हो सकती है? एंड रेमोन डीनो को सिर्फ साइज की जरूरत नहीं होगी, ही ऑल्सो नीड्स अ गुड पोजिंग। अगर वो पोजिंग भी करते हैं और एक अच्छा साइज भी लेकर आते हैं और डेफिनेटली कंडीशनिंग भी, मतलब फुल ऑन पैकेज लेकर आना पड़ेगा, अपना बेस्ट वर्जन लेकर आना पड़ेगा रेमोन डीनो को अगर वो बीट करना चाहते क्रिस बम्स्टेड को। बाकी देखते हैं रेमोन डीनो को कितना वक्त लगता है क्रिस बम्स्टेड को हराने में, या फिर क्रिस बम्स्टेड अनडिफीटेड रहेंगे अपने इस क्लासिक फिजिक के रेन में, भाई ये तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट और लास्ट अपडेट पे बढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग इस वीडियो के स्पॉन्सर डिवाइन न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिवाइन न्यूट्रिशन है इंडिया का फर्स्ट मल्टीनेशनल ब्रांड जो कि यूएसए के अंदर सप्लीमेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है। दोस्तों मैं इनका लेकर आ चुका हूं लाइफ वे जो कि एक वे प्रोटीन पाउडर है। अगर आप लोग वर्कआउट करते हो तो आप लोगों को ये वाला प्रोटीन हेल्प करेगा मसल ग्रोथ में और मसल रिकवरी में। हर एक स्कूप में है इसके 30 ग्राम प्रोटीन और काफी अमेजिंग फ्लेवर्स के अंदर ये आता है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, पहला ही लिंक है, वहां पर आप लोग जा सकते हो divinenutrition.in/bi। चेकआउट के दौरान आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हो जो कि है BI5, जिससे कि आप लोगों को एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की, आप लोग जरूर ट्राई करिए एंड आप लोग जरूर बताना कि आपको रिजल्ट कैसा मिला इसका। एंड नाउ बैक टू द वीडियो, बढ़ते हम लोग दोस्तों अपनी लास्ट अपडेट के ऊपर जो कि आ रही है मनोज पाटिल भाई की तरफ से। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ काफी दुख के साथ कि मनोज पाटिल भाई बाहर हो चुके हैं डेली प्रो शो से। और रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे हम लोग को एक वीडियो डाल के पूरा बताते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था, मतलब वो क्यों नहीं खेलने वाले डेली प्रो शो, और बताते हैं कि उनको IIBB से सस्पेंशन मिल चुकी है, यानी कि उनको डिटेल के अंदर बताते हैं कि उनको 6 मंथ्स की उनको सस्पेंशन मिली गई है। अब इसका ये कॉज हम लोगों को बताते हैं कि अभी रिसेंटली एज अ गेस्ट गए थे अनिल क्लासिक जम्मू एंड कश्मीर में जो हुआ था, वहां पर एज अ गेस्ट जाते जो कि एक नॉन IIBB सैंक्शन वाला शो था, तो उस वाले शो में जाने से जो है इनको सस्पेंशन मिला गया उस कारण की वजह से। एंड इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, हमारे एक और इंडियन IIBB प्रो है हमारे अफरोज खान जो कि इस चीज का शिकार बने थे। एंड रियली गाइस जो प्रो लीग वाले वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने गाइडलाइंस और रूल्स के साथ, और शेरू सर जो कि IIBB प्रो के साथ जो पार्टनर्ड है उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि जितने भी IIBB प्रोज हैं वो कोई भी अगर नॉन IIBB वाले शो के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे गेस्ट पोजिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा गेस्ट वहाँ पे नहीं जा सकते, सिर्फ बूथ पर उनको प्रेजेंट होना होगा जो कि ब्रांड का बूथ होता है, वहाँ पर सिर्फ IIBB प्रोज जा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ और ये वाले रूल सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बाकी देशों में भी फॉलो करे जाते हैं और IIBB बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सारी चीज़ों के लिए। और अगर आप लोग IIBB प्रो बन जाते हो
तो आप लोग दूसरी फेडरेशन से तो भाई आप लोगों को दूर ही रहना पड़ेगा, और मतलब दूसरी फेडरेशन की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना होगा, मतलब ये वाली चीज़ हो जाती है। अब इवन दो जो मनोज भाई है उनको आईबीबी की तरफ से लेटर रिसीव करा गया, और अभी इस मामले में देखते हैं कि क्या करा जा सकता है, बिकॉज अफरोज खान के साथ भी यही हुआ था और उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उनका भी सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया था और उनको अपना प्रो कार्ड वापस मिल गया था। तो अभी देखते हैं क्या ये वाली चीज़ मनोज भाई के साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिकॉज यार काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, बिकॉज अभी काफी ज्यादा नजदीक थे दिल्ली प्रो शो के, अब देखो लेस देन 4 वीक्स आउट रह गए थे और ये वाली चीज़ उनके साथ हो जाती है, मतलब एक एथलीट जो कि 6 महीने से तैयारी कर रहा है इस वाले शो के लिए और उनके साथ ये वाली बुरी चीज़ हो जाती है, तो आप लोग सोच सकते हो भाई कि क्या इनके साथ चल रहा होगा। और काफ़ी बड़े एथलीट्स भी इनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जैसे कि संग्राम भाई आते हैं, तो भाई मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करो, अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो आई सपोर्ट मनोज पाटिल, और अगर आप लोग एग्री करते हो या फिर नहीं एग्री करते सिचुएशन से, अपने जो भी थॉट्स इस पूरी सिनेरियो से रिलेटेड कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक दे दीजिए और सब्सक्राइब करिए बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर को। तो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर एंड बाय।